हेलो गाइज व्हाट्सअप दिस इज ये अमित महाजन आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ करीज फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स दैट सर टी डी एस के सेक्शंस और प्रोविजन्स तो हम लोग को समझ गए बट याद रखने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है टी डी एस चैप्टर सो कैन यू प्लीज हेल्प मी विथ दैट सो डेफिनेटली यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं ये वीडियो में लेके आया हूँ uh, ये वीडियो में आई हैव कवर्ड सर्टन स्टोरीज आफ्टर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दो स्टोरीज यू विल बी एबल टू रिमेम्बर ऑल द सेक्शन नंबर्स all the tds rates and all the limits of those particular provisions it is my guarantee that aapko ek ek cheez yaad rahega but aapko ye story minimum 2 se 3 bar padhna padega do hi aapko ye story yaad ho jayega so before moving ahead i will tell you ki exactly story mein kya kya covered hai so jitne sections hai maximum sections maine isme cover kiye hain uh, जो sections hai उसके चार buckets पहले मैंने ready किए. first bucket का this is the story second bucket का this is the story थर्ड बकेट का दिस इज द स्टोरी एंड द फोर्थ बकेट इज अस्लेनियस बकेट राइट सो ऐसे स्टोरीज मैंने कवर किए हैं एंड बिफोर मूविंग अ हेड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड येस अगर आपको थोड़ा सा भी लगा दैट आई हैव पुट माई एफर्ट्स टू मेक दिस पर्टिक्युलर वीडियो देन प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक दिस एंड कमेंट योर व्यूज ऑन दिस वीडियो सो दट आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच विडियोज लेट्स बिगिन विद द मेन टॉपिक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बकेट इट इज अ टेन परसेंट बकेट विच मीन जो जो मैं सेक्शन कवर करूंगा वो सब सबसे टेन परसेंट टी डी एस रेट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल नाउ वी विल स्टार्ट विथ अक्षय कुमार सैलरी 1992 की बात है 1992 तक अक्षय कुमार वॉज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी कब तक 1992 तक 92 में और एक चीज हुआ था हर्षद मेहता स्कैम हर्षद मेहता स्कैम के बाद जो जो अक्षय कुमार के स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्टेड थे वो सब पैसे गायब हो गए एंड दैट इज व्हाई ही वाज इन नीड ऑफ कैश दैट्स व्हाई ही विडड्रू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 1992 इन विच मंथ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 1992 ही विदड्रू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अगेन आई विल रिपीट 1992 में ही वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी बट हर्षद मेहता का स्कैम हुआ आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 92 ही विदड्रू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अभी प्रोविडेंट फंड से पैसा निकलने के बाद वो साल तो बीत गया ही एंटर्ड इन 1993 और 1993 में थोड़ा उसको लगा मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है एंड दैट्स वाई Uh, उसने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर्स में नहीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया 93 में एंड ही अर्नड इंटरेस्ट आउट ऑफ इट अब तक क्या देखा 92 का सैलरी था 92 के अगस्त में मतलब 192 ए 92 के अगस्त में ही विड्रो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ फ्रॉम प्रोविडेंट फंड वो साल बीत गया इन नाइनटीन ही इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज़ एंड अर्नड इंटरेस्ट आउट ऑफ इट '93 का भी साल बीत गया ही, uh, uh, 1994 and 1994 में जाने के बाद बहुत अच्छे से मार्केट स्टेबल हो चुका था एंड दैट इज व्हाई ही इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद उसको इन रिटर्न क्या मिला डिविडेंड मिला तो डिविडेंड कितना मिला ये अर्षद वार्षिक को देखो उसको डिविडेंड मिला है टोटल फाइव थाउजेंड का उजेंड रुपीज का डिविडेंड मिलाइंटी फोर में फाइव थाउजेंड रुपीज का डिविडेंड मिला है और उन्होंने वही पैसा इन्वेस्ट किया इन द फिक्स डिपोजिट बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया एंड अक्षय कुमार अंडी थाउजेंड रुपीज सी फोर्टी थाउजेंड रुपीज आउट ऑफ द अमाउंट इन द फिक्स डिपोजिट आई रिपीट द स्टोरी पूरे स्टोरी में हुआ क्या टू में सैलरी uh, अर्न हुआ था अच्छा खासा बट नाइन्टी टू में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ इसके वजह से पैसा चाहिए था एंड्रू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट नाइनटी टू ही विदड्रू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फ्रॉम प्रोविडेंट फंड उसके बाद नाइन्टी टू खत्म हो गया नाइन्टी थ्री में ही इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज एंड ही अर्नड इंटरेस्ट आउट ऑफ इट आफ्टर दैट नाइन्टी थ्री का भी साल बीत गया '94 में ही इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में से उसको क्या मिला डिविडेंड मिला और डिविडेंड मिलने के बाद वही फिनेंशियल ईयर में इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट '94 ही इन्वेस्टेड इन द फिक्स डिपॉजिट और बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया और बैंक ने उसपे फोर्टी का इंटरेस्ट दिया टू टू द डिपॉजिटर दैट इज अक्षय कुमार सो नाइंटी का सैलरी था मतलब वन अगस्त के 92 में विड्रॉ किया मतलब 192 ए में विद्रॉवल ऑफ प्रोविडेंट फंड 193 में उसने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था इसके लिए इधर क्या लिखूंगा मैं 193 का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 94 में उसको डिविडेंड अर्न हुआ मतलब टीडीएस ऑन डिविडेंड इन 94 194 uh, 194 के बाद 94 के अगस्त में ही 194 ए क्यू बिकॉज़ इन द मंथ ऑफ़ ही इन्वेस्टेड वन so 194 फोर ए क्या है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो ये सब सेक्शन कवर हो जाए हो गए ये पूरे ये पूरे स्टोरी में वन टू कवर हुआ वन नाइन्टी टू ए कवर हुआ वन थ्री कवर हुआ वन फोर कवर हुआ एंड वन नाइन्टी फोर ए कवर हुआ सो so, अगर मैंने आपको बोला कि डिविडेंड का सेक्शन कौन सा है तो यू थिंक अबाउट द स्टोरी और स्टोरी में डिविडेंड मुझे कभी मिला था डिविडेंड मुझे मिला था 1994 में मतलब 94 में मुझे डिविडेंड मिला था उसके बाद मैंने अगर बोला कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कभी मिला था तो आई विल थिंक एंड आई विल से हाँ ऑगस्ट के नाइन्टी uh, फोर का ऑगस्ट जो है वो मंथ में मुझे क्या मिला था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिला था इफ आई आस्क यू कि पीएफ uh, का का क्या सेक्शन है दो तीन बार पढ़ के में भी यह स्टोरी आपको याद रह जाएगा आराम से पॉज करके आराम से पढ़ो एंड आई एम श्योर दैट यूल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट बकेट नेक्स्ट बकेट इज अव परसेंट स्टोरी मतलब ये तीन सेक्शन दिख रहे सेक्शन में टीडीएस रेट इज गोइंग टू बी फाइव परसेंट एंड वन मोर कॉमन मोर कॉमन द लिमिट इज फिफ्टीन थाउजेंड फॉर ऑल द थ्री सेक्शन अगेन ये पूरे बकेट में सेकेंड बकेट में ये तीनों सेक्शन के लिए द रेट इज फाइव परसेंट एंड द लिमिट इज फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज राइट ओके तीन लोग याद रखना एक दिनेश कार्तिक दूसरा गुरु डोंट रिमेंबर अभिषेक बच्चन रिमेंबर गुरु एंड थर्ड हरभजन सिंह वापस आई हैव हैव टू टू इफ आई आस्क यू वापस वो तीन लोग कौन से थे फर्स्ट था दिनेश कार्तिक सेकंड वाज गुरु एंड थर्ड वन वाज हरभजन सिंह याद रखना दिनेश कार्तिक दिनेश कार्तिक जो था ना वो एक इंश्योरेंस एजेंट था कौन था वो इंश्योरेंस एजेंट था हरभजन सिंह एक रियल एस्टेट एजेंट था हरभजन सिंह कौन था एक रियल एस्टेट एजेंट था और दिनेश कार्तिक एक इंश्योरेंस का एजेंट था ठीक है इधर तक भी क्लियर है कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद गुरु है ना गुरु गुरु ना लॉटरी लगाता था लॉटरी गुरु का लॉटरी था गुरु लॉटरी करके 194D .1. D हो गया। बाद में हरभजन कौन था हरभजन वॉज रियल एस्टेट एजेंट मतलब उसको भी क्या मिलता होगा कमीशन मिलता होगा सो 194 एच इज टॉकिंग अबाउट कमीशन बराबर है 194 एच इज टॉकिंग अबाउट कमीशन ओके पॉइंट नंबर 2 ये हुआ बाद में कौन सा लॉटरी था गुरु लॉटरी था गुरु लॉटरी गुरु लॉटरी मतलब 194 जी गुरु का जी और वो लॉटरी से उसको क्या मिलता था कमीशन मिलता था और वो लॉटरी सेलिंग कमीशन जो है दैट इज कवर्ड अंडर 194 जी अगेन

194G. The rate is 5% and the limit is 15,000 rupees. This is the second bucket. Let's move ahead with the third bucket. Let's begin with the third bucket. Uh, before moving ahead with the third bucket, I want to let you know, guys, uh, that you will not be able to remember everything after reading only once. You have to read it twice or thrice. मिनिमम सो दैट आपको सब कुछ याद रह जाएगा दो से तीन बार पढ़ो आपको मेरा गारंटी है कि आपको सब कुछ याद रह जाएगा ठीक है अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड बकेट थर्ड बकेट में ऐसा है कि मुझे शादी करनी है राइट right? मुझे शादी करनी है चेन्नई में जाके सो आई वॉन्ट टू गो गो टू चेन्नई एंड गेट मैरिड सो आई एम लुकिंग फॉर अ कॉन्ट्रेक्टर इन चेन्नई कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या केटर केटर खाना खाने के लिए केटर तो आई एम लुकिंग फॉर अ केटर इन चेन्नई एंड आई गॉट टू टाइप्स ऑफ कोट्स फर्स्ट कोट आई गॉट That इज ऑफ थर्टी थाउजेंड रुपीज एंड द सेकेंड कोट आई गॉट दट इज ऑफ वन लाख रुपीज वापिस चेन्नई में केटरिंग का सर्विस लेने के लिए मुझे दो कोट्स मिले थर्टी थाउजेंड एंड वन लाख रुपीज राइट ये दो कोट मिले उसके बाद उन्होंने और एक चीज मुझे बोला कि आपको अगर केटरिंग एक इंडिविजुअल से लेना है तो आपको उसमें एक ही स्वीट इंक्लूडेड रहेगा उसमें एक ही स्वीट स्वीट डिश इंक्लूडेड रहेगा अगर वही आपको केटरिंग एक अदर देन इंडिविजुअल से लेना है मतलब क्या अगर वो केटर कंपनी है इन दैट केस मुझे दो स्वीट डिश मिल सकते हैं आई विल रिपीट दिस केटरिंग का पॉइंट वन सेकेंड इन चेन्नई आई वॉन्ट टू गेट मैरिट आई एम लुकिंग फॉर केटर में दो टाइप्स ऑफ केटर एक है थर्टी uh, थाउजेंड का कोट एंड सेकेंड केटर इज गिविंग मी वन लाख रुपीज का कोट उसके बाद मुझे और एक चीज बोला उन्होंने दैट इफ यूट इफ यू वॉन्ट टू टेक द केटरिंग फ्रॉम ए इंडिविजुअल मतलब केटर इंडिविजुअल है इन केस मुझे उसमें एक ही स्वीट डिश मिलेगा अगर वो केटर एक कंपनी है मतलब अदर देन इंडिविजुअल है तो मुझे उसमें दो स्वीट डिशेस मिल जाएंगे तो ये सर ये पूरा चीज क्या था ये पूरा चीज आई विल लिंक टू वन सी दैट इज केटरिंग इज वन ऑफ द पॉइंट्स इन 194c नाइनटी उसमें द लिमिट इज थर्टी थाउजेंड रुपीज फॉर पेमेंट एंड वन लाख फॉर द एंटायर उसमें दो टाइप्स के रेट्स थे एक था वन परसेंट इफ दैट केटर इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज एन इंडिविजुअल और दूसरा था टू परसेंट इफ दैट कॉन्ट्रैक्टर इज अदर देन इंडिविजुअल मे बी दिस यू विल टू रिमेम्बर वन नाइनटी फोर सी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर राइट ओके उसके बाद वन नाइनटी फोर सी मतलब चेन्नई में जाके मैंने शादी तो कर ली उसके बाद आई थॉट ऑफ मूविंग टू इंदौर टू स्टे बिकॉज मेरा जॉब इंदौर में लगा था इंदौर so में आई टुक वन बिल्डिंग ऑन रेंट वापिस इंदौर में जाके आई टूक वन बिल्डिंग ऑन रेंट और वो रेंटल uh, amount था टू लैखी था वो रेंटल अमाउंट कितना था टू लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज पर एन एम जैसे में वो बिल्डिंग में इंटर किया जैसे मैंने वो बिल्डिंग में एंटर किया मुझे दो चीज दिखा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देवर टू प्लांटेड मशीनरीज अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देवर ज एंड ऑन द राइट साइडी फोर आई वन नाइन फोर आई मतलब इंदौर इंदौर में क्या हुआ था इंदौर में मैंने बिल्डिंग रेंट पे लिया था रेंट पे लिया था बिल्डिंग कितना रेंट मैंने दिया था टू लैख फोर्टी थाउजेंड पर एनम का रेंट मैंने टोटल दिया था जैसे मैंने बिल्डिंग में एंटर किया मुझे दो चीज दिखा क्या था ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड दस फर्नीचर थे और बिल्डिंग रेट इज टेन परसेंट जैसे मैंने फर्नीचर के लिए टेन परसेंट बोला दिस इज हाउ यूल रिमेंबर आई बट इंदौर में जैसे रह रहा था ना उधर से थोड़ा सा दूर छोटे लोगों के लिए वापिस बोल रहा हूं इंदौर में रह रहा था मैं थोड़ा सा दूर छोटे लोगों के लिए और थोड़े फ्लैट अवेलेबल थे और वो किधर अवेलेबल थे मालूम है वो अवेलेबल थे इंदिरा भवन में इंदिरा भवन अभी इंदिरा भवन में क्या थे इंदिरा भवन में उन्होंने बोला था जो छोटे लोग है ना जो इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं है उतने वो लोगों के लिए क्या उन्होंने इंदिरा भवन में थोड़े फ्लैट अवेलेबल है तो मैंने पूछा कि क्या फ्लैट का रेट है के रेट क्या है? तो उन्होंने बोला कि इंदिरा भवन इंदिरा भवन में सिर्फ छोटे लोगों को मिलता है और उधर फ्लैट्स मिलते हैं के सेक्शन नंबर आईबी आईबी मतलब क्या जो वन नाइन आई में फॉल नहीं होता है इफ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर आई नाइन आई में स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स एंड एच यू एफ जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर राइट मतलब इंदिरा भवन में सिर्फ लोग रहते मैंने स्पेसिफाई किया था सो इंदिरा भवन में वन नाइन फोर आई बी आ जाएगा उसमें कितने बीएच के फ्लैट मिलते हैं कितने में मिला था मुझे इंदिरा भवन का फाइव बीएच के फ्लैट ओनली एंड ओनली 50, अच्छा कैसा पैसा कमाता हूं मैं। और मैं क्या करूंगा प्रॉपर्टी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या करूंगा अक्वायर uh, करूंगा परचेज करूंगा वापस मैं एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करूंगा और वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का नाम क्या रखूंगा मैं? वो प्रॉपर्टी का नाम रखूंगा आई ए मैं वापिस इंदौर में अमित का मेंशन इसके लिए क्या नाम है आई ए मैं आई ए मेंशन के लिए मैंने क्या किया था आई परचेस्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी आई परचेस्ड द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओके मैंने कितने में लिया मालूम है क्या जबरदस्त डील मिला मुझे मुझे डील मिला कि 50 लैक्स में ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा 50 लैक्स ओनली पर लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया सर 50 लैक्स में इतना बड़ा घर कैसे तो मैंने बोला कि हाँ बाबा 50 लैक्स अच्छा डील तो मिला है पर उसमें एक तो, एक डिसएडवांटेज है कि इसमें सिर्फ एक ही बेडरूम है इसमें सिर्फ एक ही बेडरूम है अभी ये था 194 IA. फोर आई ए वॉट इज वन नाइन आई ए वन नाइनटी फोर टॉक्स अबाउट परचेस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी

तो गवर्नमेंट सेट की हम लोग को कुछ मालूम नहीं ये आपको प्रॉपर्टी इधर आ, मुझे देना पड़ेगा तो ऐसे प्लीज मैं नहीं दूंगा सर मेरे पास मैं सिर्फ दो लाख पचास हजार रुपए कमाता हूं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स एकदम भड़क गए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बोला कि ये प्रॉपर्टी इधर ला ये प्रॉपर्टी इधर ला इसका मतलब क्या इधर ला इसका मतलब एल ए ए मतलब कंपलसरी अक्विजिशन मैं कितना कमाता था टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कमाता था कितना टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कमाता था तो द लिमिट इज

यस yes. हम लोग ने ऑलमोस्ट सब सेक्शंस कवर किए बट ये सेक्शंस है वो हम लोग ने इधर कवर नहीं किए थे बट चार सेक्शंस इजी सेक्शंस 194 क्यू टॉकिंग अबाउट हैचेस ऑफ गुड्स वेर द वैल्यू इज मोर देन 50 लाख रुपीज ये आपको याद रखना है 194 पी इज वेरी मच इजी टू रिमेम्बर बिकॉज वन पी टॉक्स अबाउट पेंशन पी पेंशन एंड ओ इज अपना uh, ई कॉमर्स फैसिलिटी का जो सेक्शन है सो बेसिकली हम लोग ने जितने सेक्शंस कवर किए वो सब सेक्शंस प्लस 194Q P क्यू पी एंड ओ आपको अडिशनली याद रखने पड़ेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस ऑफ TDS. So I सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दी डी एस सेक्शन वी ये एक रीडिंग में एज आई you, एक रीडिंग में याद नहीं रहेगा आपको ये सब कुछ याद रखने के लिए uh, ये दो से तीन बार पढ़ना पड़ेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स सर ये आप पीडीएफ uh, की दर मिलेगा तो पीडीएफ uh, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है प्लीज गो देर सब्सक्राइब टू दैट ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि मेरे एंड से थोड़ा सा मेहनत आपके लिए डेफिनेटली गया है देन प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट and let me know your thoughts on this video. and other than this, if you need any specific video on spe any specific thing, then please let me know in the comment section. I will try my level best to make that video for you guys. आपके एग्जाम के टाइम पे अगर आपको कुछ भी रिवीजन लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट है एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है वो प्लेलिस्ट में जाके यू कैन वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर स्टार्ट टू एंड अलोंग विद द क्वेश्चंस. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन Bye-bye, see you and take care.